आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। और इसके अंदर हम क्या करने वाले गाइस, रेल को भी चोरी कर चलाने वाले हैं और इसी के साथ एरोप्लेन को भी जो है चोरी कर दूसरे इलाके अंदर लेकर जाने वाले हैं और वहां पर देखने वाले हमारे साथ क्या होता है। और गाइस इन दोनों को जो है मैं इतना खतरनाक तरीके से तोड़ने वाला हूँ भाई, पूछो ही मत। अगर देखना चाहते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देने का, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और घंटी कॉल पर सेट करना भाई बिल्कुल मत बोलना, तो कर देना बिना बोला तो तुम कर देने हो तो प्लीज इस बार कर देने का। और अगर आपको गेम कैसा लगा मेरे को कमेंट के अंदर बता देने का। तो अगर आपने स्किप बिल्कुल भी वीडियो को मत करना, तो अभी जल्दी से जो हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। और गाइस बहुत ही जो है ज्यादा मजा आने वाला है, तो यार एंड तक जरूर से बने रहने का। तो चलो गाइस अभी करते हैं जल्दी से इस गेम को स्टार्ट। तो चलो गाइस अभी हम आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर हमें मिल जाती है साइकिल, बट साइकिल लेकर नहीं जाने वाला मैं यहाँ से, किसी भी गाड़ी को जो चोरी करने वाला। और चलो ठीक है, ये कोई से भी गाड़ी ले लेते हैं, तब साला चला गया। चलो कोई बात नहीं, कोई गाड़ी ले लेगा साला अपन को, तो चलो ये गाड़ी मैंने ले ली और अब इसे लेकर चलते हैं। और गाइस पुलिस वाले पीछे पड़ नहीं थे और भाई ये लो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और हमारे पीछे पड़ चुकी भी पुलिस। तो गाइस इनसे बच कर जो है मेरे को रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा और रेलवे स्टेशन जो है इसी पटरी के ऊपर जाकर ही मैं पहुँच सकता हूँ, वरना अगर रोड गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलो इसी से चलते हैं अभी जल्द से और गाइस सीधा पहुँच जाऊँगा मैं रेलवे स्टेशन। तो अभी चलो जल्दी से चलता। और गाइस ये जो यहाँ पर नहीं आगे बहुत आगे, अभी तो मेरे को ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से जो है चलता हूँ। और गाइस वहीं से जो है मैं रेल के अंदर बैठ कर जो है उसे चलाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा स्पीड पर। और कट पर गाइस इस कट पर भी धीरे नहीं चलूंगा, बहुत थ्रू चलाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ गाइस क्या जो हमारी रेल होती है पलट पाती है या नहीं पलट पाती है, मेरे को नहीं पता, तो अभी पता चल जाएगा दोनों को। तो चलो अभी जल्दी से चलते। और फाइनली गाइस देख सकते हो ये रहा रेलवे स्टेशन और अभी तक तो यहाँ पर रेल नहीं आई हुई है, बट कुछ ही देर के अंदर आ जाएगी। तो चलो अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ। और फाइनली गाइस ये देख सकते हैं रेल यहाँ पर आ चुकी है, मैं देखने को मिल जाती है। और भी गाइस जल्दी से, अरे भाई ये आगे बजा, आगे मत जा भाई, पुलिस आ गई भाई, ये अब वाट लग गई। और भाई गया मार टूक गई भाई, बंदे को मार डाला अपने को। चलो कोई बात नहीं, भी फिर से चलते हैं। और गाइस हम आ चुके हैं और इस बार में गाइस जो है रेल के बिल्कुल सामने नहीं आने वाला हूँ, अगर सामने आ गया ना तो मेरे को फिर से जो है मरना पड़ेगा, तो इस बार मैं आगे नहीं आने वाला हूँ, उसे रुकने के बाद ही जो है मैं उसके अंदर बैठने वाला हूँ। और गाइस क्या पता वे वाली रेल आएगी या दूसरी रेल आएगी, मेरे को नहीं पता, तो अभी चलते देखे और देखते गाइस अभी जो रेल आई थी वे बढ़िया थी या अब आने वाली है वे रेल बढ़िया है, मेरे को कमेंट के अंदर बताना। अभी सबसे पहले देखते और गाइस हम फिर से जो है आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन। और गाइस जल्दी से चलता हूँ। और गाइस सो फाइनली मैं आ चुका अभी जल्दी से रेलवे स्टेशन। और गाइस यहाँ पर जो अभी रुकने वाले हैं फिर से साला, इस बार जो है फिर से वेट करना पड़ेगा जब तक रेल नहीं आ जाते। और उस बार तो गाइस आ चुकी थी बट इस बार दोनों तरफ से जो रेल नहीं आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं जब तक यहाँ पर घूम लेते हैं आती है जब तक। और भाई यहाँ पर जो रेल का टिकट भी मिल जाता है, बट हमें कोई टिकट कटवाने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बिना टिकट भी जो है बैठ सकते हैं। और गाइस यहाँ पर भी क्या ये देखता हूँ, और यहाँ पर बैठने की जो है जगह है शायद तक। और भाई साहब कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, और भाई साहब ट्रक के मिंग, और भाई ये तो कुछ गेम का फोटो लगा हुआ है। और फाइनली यार रेल आ चुकी है, ऊपर इस बार दूसरी रेल आई है, तो चलो कोई बात नहीं इसी के अंदर बैठते हैं। और भाई ये टनल तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो मैं टनल के इस तरफ तो नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ इसे रिवर्स में लेकर। और भाई रिवर्स ही जाने वाली है अब हमारी ट्रेन, तो चलो गाइस हमारी ट्रेन जो स्टार्ट हो चुकी है और अभी चलते जल्दी से। और गाइस मैं बिल्कुल भी इसकी रेस नहीं बंद करने वाला हूँ, इसे बहुत ज़्यादा स्पीड पर जो है दौड़ाने वाला हूँ और लेकर जाने वाला हूँ, और देखते हैं हमारे साथ जो क्या होता है, हादसा हो पाता है या नहीं हो पाता मेरे को नहीं पता। तो अभी चलो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और गाइस ये जाती है अभी हमारी रेल 3 डिब्बों की, और गाइस बहुत ही स्पीड पर जो है इसे भी करना पड़ेगा। और अब धीरे धीरे जो गाइस अपनी रेल जो है स्पीड पकड़ रही है और जाती भी भाई, ये जो कट पर देखो गाइस ट्रेन को मैं बिल्कुल भी जो स्लो नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही थ्रू जाने दे रहा हूँ और ऐसे ही जो जाने देने वाला हूँ। तो चलो भी चलते देखिए क्या होता है, मेरे को नहीं पता,
और भाई साहब अब जो है रेल ने बहुत ज़्यादा स्पीड जो है नॉर्मली पकड़ ली, बट अभी भी मैं जो है इसकी स्पीड को बंद कम नहीं करने वाला मतलब। और फाइनली टर्नल भी आ चुकी है, बट ये टर्नल ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो छोटी टर्नल है, तो इससे तो पार हो जाएगी बिल्कुल आराम से और बिल्कुल जल्दी। और भाई ये देख सकते टर्नल के अंदर से जो है जाती हुई, और भाई टर्नल को देखकर तो जैसे भूतिया प्लेस आ जा रहा हो, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो फाइनली यार टर्नल को पार कर चुकी है, और गाइस अभी देखते हैं यहाँ पर। ओ भाई अब यहाँ पर जो है बहुत बड़ा कट आने वाला है, और भाई साहब अब पलट सकती है रेल। और भाई ये भाई देख सकते हैं गाइस दूजने लग गई, और भाई ये गई, और ये लो भाई जैसा सोचा था वैसे ही, और ये लो ये ओ भाई साहब अपनी रेल जो है यहीं पर दम तोड़ दिया, और साला यहीं पर पलट चुकी है आप देख सकते हैं। और भाई अब यहाँ से मेरे को नहीं लगता ये ठीक से तरीके से खड़ी हो पाएगी और फिर से जो है चल पाएगी। चलो अभी रेल से नीचे उतर देता हूँ। और भाई तीनों डिब्बे जो है टूट कर बिखर चुके, साइडों में छूट चुके मतलब। और भाई अब इनके अंदर मेरे को नहीं लगता मैं इस रेल की डिब्बो को और इन रेल को सही कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं पता। बट मेरे मुताबिक गाइस अब जो है ये रेल के डिब्बे हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये पटरी से नीचे उतर चुके हैं, तो इसी वजह से मेरे को नहीं लगता अब हम इसे ठीक करवाएंगे। तो यार यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं नहीं चढ़ पा रहा इसका मतलब, और चलो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। लगता है चढ़ पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा मेरे को नहीं पता फिर से, तो देख करता हूँ कोशिश। और यहाँ से जा सकते हैं शायद। और भाई भाई अपना बंदा इस अकेले ने जो है इस रेल के डिब्बे को मतलब इंजन को जो है खिसका दिया होगा। इस तरीके से मैं खिसका कर इसे सही नहीं कर सकता, तो चलो कोई बात नहीं गाइस। और अभी हम जाने वाले हैं गाइस एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से जो है हम फिर से चोरी करने वाले हैं रेल मतलब सॉरी एयरपोर्ट से एरोप्लेन को, और उसे हम लेकर जाने वाले हैं गाइस दूसरे इलाके के अंदर। तो चलो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पर, और गाइस जो हमारा एयरपोर्ट होने वाला है वह भी गाइस इसी साइड में पड़ने वाला है, तो हमें भी इसी रेल पटरी से जाना होगा, क्योंकि भाई ये जो है बिल्कुल पास में पड़ती है, तो इसी वजह से इसी से जाने वाला हूँ। अगर गाइस मैं रोड रोड गया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और गाइस मेरे को रास्ता याद भी नहीं है जो कि मैं वहाँ पर जल्द से जा पाऊँ, तो मेरे को इसी तरीके से जो है जाना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं चलते हैं ऐसे, और सीधा पहुँचूंगा अभी मैं जल्दी से जो है रेलवे स्टेशन। बट ये गलत गलत रास्ते पर मैं आ चुका हूँ, मेरे को पता है, पीछे लेकर चलते फिर से गाइस, और गलत रास्ते पर जो मैं आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पर तो पुलिस वाला भी, अगर पुलिस वाले को ठुक गई तो भाई अपना नंबर खींच लेगा, बट चलो कोई बात नहीं, बच गया पुलिस वाला भी और हम भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो भाई अभी चलता हूँ जल्दी से, आपको भी बता दूंगा मैं कहाँ से मुड़ने वाला हूँ, तो अभी चलते हैं। और भाई ये तो नहीं, हाँ यहाँ से बूढ़ना नहीं, यहाँ से नहीं आगे से शायद तक, तो चलो भाई चलते हैं अभी जल्दी से। ओ भाई ये आ रहा है, यहाँ से मेरे को मुड़ना पड़ेगा, ये शॉर्टकट रास्ता है मेरे को पता है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो शॉर्टकट ही होने वाला है ये रास्ता। तो भी चलते हैं जल्दी से, और भी भाई जाने वाला हूँ मैं सीधा एयरपोर्ट। हाँ और भाई ये एयरपोर्ट का रास्ता ये देखो, और गेट वहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मैं तो चलो भी रुकता हूँ। और भाई यहाँ से मेरे को जो चौकीदार अंदर नहीं जाने देगा, और गाइस यहाँ से जो वैसे मांग रहा है इनविटेशन मतलब कुछ बोलते हैं उसे मांग रहा है, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करते गाइस, इसके बिल्कुल पास में गाड़ी लगाता हूँ और उसके ऊपर चढ़ कर जो अंदर कूद जाऊँगा, और फिर जो अंदर जा पाऊँगा आराम से। चलो भी ऐसे ही करते हैं, और भाई यहाँ से जल्दी से कूदता हूँ उसके ऊपर, और ये ले, और अभी चल भाई ऊपर, और ये लो भाई मैं आ चुका अभी ऊपर, और यहाँ से कूदता हूँ, और चलो गाइस अभी जो है हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। वो अभी तो आपको ऐसे रेल मतलब सॉरी एयरपोर्ट से एरोप्लेन नहीं दिखेगी, बट अभी दिखेगी। तो गाइस ये रही छोटी वाली एरोप्लेन, बट इसे हम नहीं चलाने वाला, और हम चलाने वाला है बड़ी एरोप्लेन को, तो चलो इसी को लेकर चलते हैं बड़ी वाले एरोप्लेन के पास में, क्योंकि इतना तो गाइस पैदल चलना भी जो है नहीं मिलो को अच्छा नहीं लगता सॉरी मतलब कुल मिलाकर, तो इसी से हम जाने वाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं सबसे बड़ी वाली एरोप्लेन के पास, और गाइस उसी के अंदर जो है बैठ कर हम जाने वाले। और गाइस जो हमारा यहाँ का एयरपोर्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, और यहाँ पर मैं छोटी छोटी जो है गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं ये रही एक छोटी सी गाड़ी जो कि हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और गाइस ये रही हमारी बड़ी वाली एरोप्लेन, तो गाइस इसी के अंदर जो मैं अभी बैठ कर जो जाने वाला हूँ, और गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है इसी के अंदर, और इसी को मैं लेकर जाऊँगा दूसरे इलाके में, और वहाँ पर मेरे साथ क्या होता है मेरे को नहीं पता, दूसरे दुश्मन हमारे पर अटैक करते हैं या नहीं मेरे को नहीं पता, तो देखते हैं देखे। और गाइस ये खुल चुकी सीढ़ियाँ, और अपना बंदा बैठ चुका है अंदर, और फिर से उतर गया।
चलो ये देखो गाइस, सब सीढ़ियाँ देखो कितनी शानदार जो है लग रही है। और चलो अभी सीधा इसे जो है रनवे पर ले लेते हैं, और रनवे से जो है सीधा इसे क्या करेंगे हम, इसे उड़ान के लिए डाल देंगे, और गाइस हम हवा के अंदर जो है उड़ जाएंगे। तो चलो अभी करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और गाइस ये जाती हुई हमारी एरोप्लेन, और भाई ऊपर हो जाओ क्रैश, बच बच गाइस साला, वरना अभी क्रैश हो जाती। और गाइस इस तरफ से समुंदर होने वाला है, तो हम इधर नहीं इधर लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में जो है दूसरा इलाका पड़ने वाला है। तो गाइस वहां से मेरे को नहीं लगता मैं जिंदा बचकर आ पाऊंगा, बट जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो भी चलते, और मेरे साथ क्या होता है मेरे को नहीं पता, तो अभी देख लेते हैं वहां पर। मेरे को जाता हूँ और देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। भाई बुर्ज खलीफा देख सकते यहाँ से, हमें देखने को जो है मिल जाती है इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। और भाई इसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने का ये देख सकते हैं, बट इसके ऊपर हेलीकॉप्टर तो नहीं है। और गाइस अभी जो है हम जा रहे हैं दूसरे इलाके के अंदर, और वहाँ पर देखें क्या होगा। तो लगता है गाइस इतनी स्लो कैसे, अरे सॉरी गाइस, लगता है मैंने इसकी स्पीड ही छोड़ दी थी, तो इसलिए जो है ये गाड़ी बहुत ही धीरे हो चुकी है। तो सॉरी ये धीरे हो गई क्या, लगता है धीरे हो गई मैं, सॉरी। अब चलो चलो इसकी स्पीड बढ़ाते हैं और चलते दूसरी दा। और गाइस ये रही हमारी सीमा, और गाइस जो ये रहा दूसरा इलाका, क्योंकि आप देखते हैं। और गाइस हम बढ़ चुके हैं अभी दूसरे इलाके के अंदर, और हमारे पर जो केस भी लग चुका है, आप देखते हैं स्टार जो है ऑन हो चुके हैं मतलब। और गाइस अभी हम उतर चुके हैं दूसरे इलाके के अंदर, और यहाँ पर जो हम नीचे तो नहीं उतरने वाला, अगर नीचे उतरा तो हमारी वार्ड लगा देंगे। और भाई ये देखो मेरे पर जो फायर होना शुरू भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और गाइस मेरे को नहीं लगता अब मैं यहाँ से जो है जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि गाइस जो हमारे दुश्मनों के जो है एरोप्लेन है वे मेरे पीछे लग चुके हैं मेरे को मारने के लिए। और अब मेरे को लगता है मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा या नहीं, तो कोशिश करता हूँ बचने की, और फिर क्या पता क्या होगा, तो देखते देखे। और भाई अभी तक तो एक ही बार फायर हुआ हमारे पास, और भाई अपने हवाई जहाज अभी तो ठीक है कुल मिलाकर। चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा बात का बाद में देखा जाएगा। और गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देने का। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी जो है मत भूलने का, और घंटी कॉल पर सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ऐसे नए नए वीडियो देखना जाते हैं, और गाइस इंडियन बाइक ट्री का न्यू अपडेट देखना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देने का। और गाइस अपनी वार्ड लग चुके हैं यहाँ पर, और मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।